हेलो गाइस। सो आज मैं ट्रांसफार्मर का फुल सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आज फर्स्ट पार्ट ट्रांसफार्मर का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज इंट्रोडक्शन। राइट, जब तक हम ट्रांसफार्मर को समझेंगे नहीं तब तक आगे नहीं जा सकते। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो आज के क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जेई एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो वहां से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन ये है कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक पीस ऑफ अपैरेटस व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन अल्टरनेटिंग सर्किट टू अनदर अल्टरनेटिंग सर्किट। राइट, मान लेते हैं कि हमारे पास दो सर्किट है। ये वाला सर्किट यहाँ पे जो फिगर में आप देख रहे हो, ये ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है। राइट, ट्रांसफार्मर के सर्किट डायग्राम में दो सर्किट हैं, जिसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी साइड और इसे हम बोल रहे हैं सेकेंडरी साइड। राइट, तो इसीलिए इसे प्राइमरी वाइंडिंग हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाइंडिंग मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। तो ये प्राइमरी साइड हो गई हमारी और ये है सेकेंडरी साइड। तो हमेशा याद रखिए कि जो प्राइमरी साइड है वहां पे हम क्या लगाते हैं, सोर्स। ये हमारा सोर्स है। राइट, अब हमारा एम क्या है, ये प्राइमरी सर्किट और ये प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, और हमें क्या करना है, प्राइमरी सर्किट से पावर को ट्रांसफर करना है सेकेंडरी सर्किट। राइट, यहां पे लिख सकते हैं हम ट्रांसफर ऑफ पावर, वी आर ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड एंड या प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो सेकेंडरी एंड को हम लोड एंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी में ही हमारा क्या कनेक्टेड है, लोड। ये आपका लोड है। हमें क्या करना है, इस सोर्स साइड से पावर को ट्रांसफर करना है लोड साइड। राइट, तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन भी यही बोलती है कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक पीस ऑफ अपरेटस। स्टैटिक पीस ऑफ अपरेटस का क्या मतलब है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं, स्टैटिक। राइट, तो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक पीस ऑफ अपरेटस व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द पावर। हम इस ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या कर रहे हैं, पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ये ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन है। तो वन सर्किट मतलब प्राइमरी सर्किट टू सेकेंडरी सर्किट। राइट, अब मान लीजिए कि सोर्स साइड जो पावर था ट्रांसफार्मर का वो था P, तो लोड साइड भी जब हम पावर को ट्रांसफर करेंगे तो जो पावर है आपका वो कांस्टेंट होगा। अगर P अमाउंट का पावर हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्राइमरी साइड से, तो हमें P अमाउंट की ही पावर मिलेगी सेकेंडरी साइड। बट एक और टर्म है फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी इस पावर जब हम ट्रांसफर कर रहे थे सेकेंडरी में, जो सोर्स लगा है इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर एफ है, तो सेकेंडरी में जो पावर जनरेट होगा वोल्टेज या करंट, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी एफ होगी। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि द ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर ट्रांसफर करते वक्त जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होती है। तो हमारा एक कॉन्क्लूजन क्या बन गया यहां से कि ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। दूसरा कॉन्क्लूजन क्या बन गया, कांस्टेंट पावर डिवाइस, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में जो पावर है वो तो सेम है। राइट, तो ये दो कॉन्क्लूजन हमने यहां से निकाले। राइट, अब एक चीज और देखिएगा कि जो ट्रांसफार्मर है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। अब देखिए, ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस क्यों बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। राइट, क्योंकि जब सोर्स हमने अप्लाई किया प्राइमरी वाइंडिंग में, तो मान लेते हैं कि सोर्स में करंट I फ्लो हो रही है।
अब ये करंट क्या जनरेट करेगी, एक फ्लक्स जनरेट करेगी। तो ये मान लेते हैं हमारी फ्लक्स है और ये फ्लक्स जाके सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक कर रही है। तो मेन हमारा यहां पे कन्वर्जन देखने को मिला कि जो करंट है वो फ्लक्स में चेंज हो गई, या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने सप्लाई किया सोर्स से वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फाई हमारा क्या है, मैग्नेटिक डोमेन, करंट क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल डोमेन। तो इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक डोमेन में हमारा कन्वर्जन हो रहा है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस ट्रांसफॉर्मर। लेकिन अगर हम पूरे ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो ये एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस नहीं होगा, क्योंकि वापस से जाके जो फ्लक्स है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, फिर से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है जो मैग्नेटिक एनर्जी है सेकेंडरी साइड में, राइट। तो किसी एक पर्टिकुलर सर्किट को हम बोल सकते हैं, प्राइमरी को जैसे एग्जांपल, तो प्राइमरी को हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, राइट। नाउ अब आपको ये बात याद रखना जरूरी है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये दोनों इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, राइट। आप देख सकते हो कि प्राइमरी वाइंडिंग हमारी यहां पे है और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी यहां पे है, दोनों में कोई फिजिकली कनेक्शन नहीं है, राइट। पावर किससे ट्रांसफर हो रहा है, फ्लक्स के थ्रू। तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर इज अ मैग्नेटिकली कपल्ड डिवाइस, राइट। और इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हो आप, ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो आपस में मैग्नेटिकली कपल्ड है बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, राइट। क्योंकि मैग्नेटिकली कपल्ड है से मतलब क्या, दोनों को सेम फ्लक्स लिंक कर रहा है, दोनों लिंक्ड हैं, दोनों जुड़े हुए हैं एक फ्लक्स के थ्रू। तो मैग्नेटिकली कपल्ड और इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, राइट। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब ट्रांसफॉर्मर को हम सिंगली एक्साइटेड डिवाइस भी बोलते हैं, सिंगली एक्साइटेड डिवाइस, राइट। लिख लीजिए एक बार ताकि आपका नोट्स बन जाए, सिंगली एक्साइटेड डिवाइस। सिंगली एक्साइटेड डिवाइस का मतलब ये होता है कि ऐसी डिवाइस जिसमें हम एक साइड से सप्लाई दे रहे हो या सिर्फ एक सप्लाई दे रहे हो, सेम ट्रांसफॉर्मर के साथ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर में एक साइड से हम सप्लाई दे रहे हैं प्राइमरी से और लोड कहां कनेक्टेड है, सेकेंडरी साइड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो सिंगली एक्साइटेड डिवाइस है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। अब जो मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मर में जो पावर ट्रांसफर हो रही है प्राइमरी सर्किट से सेकेंडरी सर्किट में, वो किसके थ्रू हो रही है, फ्लक्स के थ्रू, फ्लक्स ने पूरी पावर कैरी कर रखी है। तो जो फ्लक्स है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, कैसे और क्यों कांस्टेंट होती है ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली में है क्या। तो ये फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मतलब ट्रांसफॉर्मर को हम और क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, राइट। आपको क्लियर है ये। अब चलिए वर्किंग प्रिंसिपल पे चलते हैं, राइट। पहले वर्किंग प्रिंसिपल हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं, पहले आपको ये बता दीजिए कि ये जो प्रोसीजर है समझाने का, मुझे आपको समझ में आया या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, ताकि जो लेक्चर है वो मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। इंट्रोडक्शन ये मैंने आप ट्रांसफॉर्मर का इंट्रोडक्शन आपको मैंने दे दिया है। नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा वीडियो वो होगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डिफरेंट पार्ट देखेंगे कंस्ट्रक्शन के, जैसे कोर हो गया, वाइंडिंग्स हो गई, लेमिनेशन हो गए, क्यों करते हैं लेमिनेशन, ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि ये जो लेक्चर सीरीज मैंने शुरू करी है ये आपको पसंद आ रही है या नहीं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।